हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजय संजन आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के विषय पे। दोस्तों आज 9 मार्च है, चलिए देखते हैं भास्कर नॉलेज क्विज द्वारा कौन कौन से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके करेक्ट आंसर क्या होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट के कई नियम बदल गए हैं, ये नियम बदलने का काम कौन सी संस्था करती है? MCC करती है। ऑप्शन बी को लगाइए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल है, वह इससे पहले किस राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? गुजरात की। ऑप्शन सी को लगाइए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का जन्म विदेश में हुआ था, वह किस शहर में पैदा हुई थी? कोपेनहेगन। ऑप्शन डी को लगाइए। आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू दिल्ली फ्लाइट को किस साल हाईजेक किया था? ये 1999 में किया था। ऑप्शन बी को लगाइए। यूपी के कुख्यात डॉन शिवप्रकाश शुक्ला ने किस मुख्यमंत्री के मर्डर की सुपारी ली थी? कल्याण सिंह की ली थी। ऑप्शन सी को लगाइए। किसी चुनाव रिजल्ट के बाद हंग असेंबली का शब्द का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिले। ऑप्शन बी को लगाइए। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए श्रेयस अय्यर के अलावा नॉमिनेट हुए दो अन्य क्रिकेटर कौन हैं? विरतिया अरविंद और दीपेंद्र सिंह एडी। ऑप्शन ए को लगाइए। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने 2019 में कांग्रेस के लिए किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था? नॉर्थ मुंबई। ऑप्शन सी को लगाइए। महिला वर्ल्ड कप में भारत न्यूजीलैंड से 2 बार जीता है, भारत ने ये मैच किस साल जीते हैं? 2007 और 2017 वर्ल्ड कप में। ऑप्शन ए को लगाइए। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता ने एक ग्लोबल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था, यह खिताब कौन सा था? मिस यूनिवर्स का। ऑप्शन सी को लगाइए। दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर सही है, यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना और नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।